नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। आईएएस के पाठक द्वारा बिहार के लोगों और बिहारी अधिकारियों को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। के पाठक का दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वह बिहार के अधिकारियों के लिए जमकर गालियों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इससे पहले शुक्रवार को इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही सीएम ने कार्रवाई की भी बात कही है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर्स में आ रही भारी गिरावट को लेकर सरकार चौकन्नी हो गई है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी इस बारे में एक बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का कहना है कि उसने अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अन्य रेगुलेटरी सबमिशन की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस बीच अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समाधान यात्रा के तहत अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के खरहट पंचायत का भ्रमण कर सरकार की विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से बातचीत के क्रम में सीएम ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों एवं बिजली बिल में गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जैसा फिलहाल बहरीन में है। ACC की एक अहम बैठक को लेकर वह बहरीन गए हुए हैं। एशिया कप 2023 की मेजबानी को लेकर यह बैठक रखी गई है। यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी पाकिस्तान के मेजबानी अधिकार की बात जैसा के सामने रखेंगे। वैसे पाकिस्तान को एशिया कप 2023 की मेजबानी मिलना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। ऐसे में एशिया कप को UAE या श्रीलंका में शिफ्ट किया जा सकता है। इंडिगो एयरलाइंस का गजब कारनामा सामने आया है। इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री को बिहार की राजधानी पटना जाना था और वह उदयपुर जाने वाली उड़ान में बैठ गया और अपने गंतव्य से 1400 किलोमीटर दूर पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि एयरलाइंस के कर्मचारियों को यह पता तक नहीं चला कि यात्री गलत फ्लाइट में चढ़ गया है। चीन का इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अहम उद्योगों में चीन का यह हथियार स्मार्ट शहरों में जासूसी का जरिया भी बन सकता है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल हैकरों और शरारती तत्वों द्वारा भी किया जा सकता है, जो कि चीन की इस तकनीक को दुनिया के लिए और बड़ा खतरा बना सकता है। JDU और RJD के बीच कई खटास को लेकर BJP के एक विधायक ने दावा कर दिया है कि बिहार की महागठबंधन सरकार केवल एक महीने की मेहमान है। विधायक राजू सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश अपनी मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। मानसिक संतुलन खोया व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बहुत से बहुत ये सरकार एक महीने तक चलेगी, एक महीने बाद तेजस्वी उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज लंदन में अपने UK के समकक्ष टीम ब्यूरो से वार्षिक रणनीतिक बातचीत करेंगे। इस बातचीत में डोभाल PM मोदी को निशाना बनाने वाले BBC की डॉक्यूमेंट्री कश्मीर मुद्दों के मसले और खालिस्तान आंदोलन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बेगूसराय पहुंचे बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि वह राजनीतिक रूप से दूसरे पार्टी में काम कर रहे हैं, वह बड़े भाई हैं। अगर उनके तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व भर की अधिकांश संस्थाएं भाग ले रही हैं। दुनिया भर के 650 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स इसमें आ रहे हैं। इस बार इंडिया एनर्जी वीक में ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा जोर होगा, साथ ही इसमें हाइड्रोजन फ्यूल और सोलर जैसे ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसमें 4 बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। एक भारतीय आई ड्रॉप इन दिनों अमेरिका में विवाद में है। आई ड्रॉप के संक्रमण के कारण वहां कई लोगों की मौत के मामले सामने आने के बाद भारतीय कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने इसे वापस मंगवा लिया है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में जानकारी दी है। FDA का कहना है कि इस दवा के कारण आंखों की रोशनी जाने और एक व्यक्ति की मौत के बाद अमेरिकी बाजार से अपने आई ड्रॉप को वापस मंगाए हैं। SD केयर ड्रॉप के प्रतिकूल प्रभाव के 55 मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने कहा है कि दुनिया भर के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखा रहे हैं, जो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि यह समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सुधारों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने के अपने मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध बना हुआ है। ट्रेनों में बर्थ और कंफर्म टिकट की किल्लत को दूर करने के लिए इंडियन रेलवे बड़ी तैयारी कर रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के मकसद से रेलवे टिकट जारी करने की क्षमता प्रति मिनट 25,000 से बढ़ाकर 2.25 लाख करने और पूछताछ की क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की योजना बना रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर है। वे विशेष विमान से शनिवार को बाबा नगरी देवघर पहुंचे। इनके साथ इनकी पत्नी भी मौजूद है। अमित शाह दिल्ली से देवघर पहुंचे। वर्तमान में वे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वो संताल परगना के 3 लोकसभा सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल के
लिए विजय संकल्प महारैली में चुनावी बिगुल फूकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया मेक इन इंडिया अभियान आज देश में बड़ी सफलता हासिल कर रहा है। इस अभियान में भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। आज देश स्वास्थ्य, रक्षा, तकनीकी समेत कई क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकास कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है भारत में किसी भी सामान को स्वदेशी बनाया जाए। लोग अक्सर विदेशी चीजों को खरीदते हैं, कई चीजें जो भारत में नहीं बनती थी, लेकिन मेक इन इंडिया अभियान की मदद से आज भारत में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि चाहे विरासत के कानून की व्याख्या का मामला हो या फिर सेनाओं में महिलाओं के प्रवेश को सुरक्षित करने का, हमारी अदालत लैंगिक समानता के एक मजबूत समर्थक के रूप में उभरी है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि अदालत के लिए कोई बड़ा या छोटा मामला नहीं होता है, हर मामला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नागरिकों की शिकायतों से जुड़े छोटे मामलों में भी संवैधानिक और न्याय शास्त्र के महत्व के मुद्दे सामने आते हैं। ऐसे शिकायतों को दूर करने में अदालत केवल अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करती है। भारत सबसे ज्यादा स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहा है। इसमें तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, अस्त्र मिसाइल जैसे प्रमुख हथियार हैं। लेकिन इसके अलावा सरकार ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और स्पेन जैसे देशों से 1.9 लाख करोड़ रुपए के सैन्य सामान खरीदे हैं। इन डिफेंस आइटम में हेलीकॉप्टर, विमान, रडार, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, मिसाइल और गोला बारूद शामिल थे। होम ऑफिस के सूत्रों के हवाले से ब्रिटेन की एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खतरनाक छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल के पार अवैध रूप से ब्रिटेन के तटों में प्रवेश करने वाले प्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा समूह बन गए हैं। 4 फरवरी 2023 यानी शनिवार के दिन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। WTI क्रूड ऑयल के भाव में 3.2% की गिरावट देखी गई है और यह $73.39 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव में 2.71% की गिरावट दर्ज की गई और यह $79.94 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में शुक्रवार को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दाखिल राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने का निर्देश दिया है। रेल बाजार पर प्रयागवासियों की निगाहें टिकी थी। उम्मीद के मुताबिक संगम नगरी को बड़ा उपहार मिला है। प्रयागराज से वाराणसी के लिए वंदे भारत मेट्रो चलेगी। 10 कोच की यह ट्रेन तेज यात्रियों को सुगम सफर का आनंद देगी। 125 से 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली इस ट्रेन से प्रयाग काशी की दूरी कुछ मिनटों में ही सिमट जाएगी। अमेरिकी सीमा पर आए दिन घुसपैठ की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार घुसपैठ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिकी सांसदों ने दावा किया है कि अमेरिकी सीमा पार करने में मदद करने के लिए आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारतीयों से औसतन 17 लाख रुपए वसूले हैं। ये संगठन भारतीयों से 17 लाख रुपए लेकर अमेरिकी सीमा में अवैध रूप से प्रवेश देते हैं। देश में अडानी समूह के शेयरों में लगातार हो रही गिरावट की चर्चा पूरे देश में है। इसे लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस हंगामे से बंगाल की सियासत भी नहीं बची हुई है। बंगाल की सियासत में भी अडानी समूह को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बंगाल में ताजपुर पोर्ट को लेकर फिलहाल काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को कहा है कि अडानी समूह के संकट से राज्य की एक प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजना ताजपुर बंदरगाह निर्माण के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। मुंबई से सटे कल्याण से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के कल्याण में रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को इनकम टैक्स विभाग ने 1.14 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। वह अपनी शिकायत लेकर इनकम टैक्स विभाग पहुंचे और उन्होंने पूछताछ की। उन्हें कहा गया कि उनके पैन कार्ड का नंबर इस्तेमाल करते हुए विदेशों में शॉपिंग की गई है। भारतीय रेलवे कम से कम यात्रा की किसी श्रेणी में वरिष्ठ नागरिक रियायत को बहाल करने पर विचार कर रहा है, जिसे देश में COVID-19 के बाद लागू लॉकडाउन के बाद ट्रेन सेवाओं की बहाली के बाद राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामाजिक जीवन में आए इस बदलाव में 4 फरवरी का एक खास महत्व है। दरअसल 2004 में 4 फरवरी को ही मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने साथ पढ़ने वाले 3 दोस्तों के साथ मिलकर बनाई वेबसाइट फेसबुक को लॉन्च करके दुनिया भर के लोगों को फ्रेंड्स और लाइक को गिनते रहने का एक नया गणित दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की पदोन्नति और तबादले के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र का निर्णय नहीं लेना बहुत परेशान करने वाला है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने चेतावनी दी कि सरकार के कदम की वजह से उसे मुश्किल और अप्रिय निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रेलवे टिकट जारी करने की क्षमता प्रति मिनट 25,000 से बढ़ाकर 2.25 लाख करने और पूछताछ की क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की योजना बना रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 7,000 किलोमीटर की नई
रेल पटरी बिछाने का भी लक्ष्य है। फिलहाल प्रति मिनट लगभग 25,000 टिकट जारी करने की क्षमता है। हमारा लक्ष्य इसे बढ़ाकर 2.25 लाख टिकट प्रति मिनट करने का है। इन दिनों केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था के साथ होने वाली जजों की नियुक्ति को लेकर खींचतान चल रही है। इसको लेकर केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, केंद्र सरकार सबसे लड़ती क्यों है? जजों, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकारों, किसानों, व्यापारियों से सबसे लड़ने से देश का तरक्की नहीं होगा। आप अपना काम करो, दूसरों को अपना काम करने दो, सबके काम में दखल मत दो। संकट में फंसे अदानी समूह के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सामने आया है। संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने एक आलेख में कहा है कि यह हमला बहुत कुछ वैसा ही है जैसे भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया और उन्हें बर्बाद कर दिया था। शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों को एक लॉबी ने अदानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की है। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी शामिल है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, एमडी साकिर हुसैन, अखिलेश यादव, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अर्जुन राम, अशरफी मंडल, प्रवीण कृष्णा, कुश कुमार यादव, प्रवेश कुमार, महमूद अंसारी, एमडी नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, कुमारी संजना, दीपक कुमार, सानिया नूर, एमडी अबूबकर और सुरेंद्र कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या कोरोना काल के दौरान रेलवे द्वारा बंद की गई सुविधाओं को फिर से शुरू कर देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।